जैसा कि हमारे सामने आज भाई आज मिलने आए हैं, आपसे अनुरोध है दोनों हाथ जोड़ के इनके चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नाले कमेंट। अभी लेके आया तो एक शॉट यहाँ पे लगा है, बस दो शॉट, एक अच्छा एक छह पे लगा है। तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि आप एक जब भी शूट करोगे तो आप किसी को मार सकते हो। Yo, what's up guys? क्या हाल चाल? So, आज का व्लॉग बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि मैं जा रहा हूँ मोहाली स्पेशली किस चीज के लिए, स्पेशली शूटिंग रेंज में शूटिंग करने। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे आज किसी को ठोकने का प्लान है। तो बेसिकली आप पूरी वीडियो देखे तो आपको समझ आ जाएगा कि आज का जो व्लॉग है वो किस चीज के ऊपर है। बहुत टाइम से मैं चीज प्लान कर रहा था तो आज फाइनली जो है टाइम मिल चुका है उन्हें भी और मुझे भी दोनों को कि हम मिलते हैं सर को और वीडियो बनाते हैं बड़ी मजेदार सी। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पूरा व्लॉग देखना, लास्ट में आकर ना मैं यार मैगी के साथ कुछ करने वाला हूँ और अगला व्लॉग के बारे में मैं कोई गेस देने वाला हूँ, तो पूरा व्लॉग देखो लास्ट तक, तुम्हें पता लग जाएगा। अच्छा, आप में से किस किस ने मेरी टी शर्ट को जो है ओरियो भोंक रहा है, पता है तुम्हें? आप में से किस किस बंदे ने मेरी टी शर्ट के ऊपर ध्यान दिया है? इस टी शर्ट के ऊपर अगर आप पंजाबी है तो आपको समझ आ जाएगा इस पर क्या लिखा हुआ है। तो अगर आपको समझ आ गया इस टी शर्ट पर क्या लिखा हुआ है तो मेक श्योर कमेंट करके बताएं कि इस टी शर्ट पर क्या लिखा हुआ है। और ये टी शर्ट जो है मैंने अर्बन टेका से परचेज किया। चलते हैं जल्दी से व्लॉग बनाने। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो हमारे साथ आज हैं अंकुश सर। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। तो अगर आपको नहीं पता तो अंकुश सर ने जो है कॉमनवेल्थ राइट, यूथ कॉमनवेल्थ में मेडलिस्ट हैं और इंडिया को बहुत जगह रिप्रेजेंट कर चुके हैं और बहुत ऐसे ऐसे जो स्पोर्ट्समैन यानी ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड लेवल पे जो है कोच करते हैं सर। तो आज सर क्या चीज़ हम ऑडियंस को दिखाना चाहेंगे आज? मतलब बेसिकली मैं आपको ना 25 मीटर मतलब जो शूटिंग गेम है ना उसमें दो इवेंट्स मतलब हम जो स्मॉल बोर में करते हैं, दैट इज वन इज पिस्टल एंड वन इज राइफल। तो ये पिस्टल इवेंट का ना 25 मीटर शूटिंग रेंज है। ओके, तो जो भी फास्ट शूटिंग है ना शूटिंग स्पोर्ट के अंदर वो फास्ट शूटिंग 25 मीटर्स पे होती है। ओके, इसमें हर इवेंट टाइम बाउंड है तो आप हर चीज टाइम के हिसाब से ही कर सकते हो। लाइक आपको कोई सीरीज कोई 8 सेकंड्स में 5 शॉट चलाने हैं, किसी में 4 सेकंड में 5 शॉट, किसी में 10 सेकंड्स में, इट्स ऑल अबाउट रिदम। जैसे उन्होंने हाथ में गन, इन बाकी भाइयों ने जो है गन पकड़ी, उन्होंने हाथ में जो है ईंट पकड़ी हुई है, तो उसका क्या पर्पज है? मुझे कुछ एक्चुअली जैसे ईंट का ना बहुत अच्छा महत्व है शूटिंग गेम में ना। ओके, एक तो ईंट में से वेट हम आपकी लिफ्टिंग जो भी हम लिफ्टिंग करते हैं उसका वेट तो अच्छा मेरे को ना एक क्वेश्चन है कि जैसे अब ये एक हाथ से जैसे कोई राइट ही कोई लेफ्ट ही है वो राइट ही एक ही हाथ से प्रैक्टिस कर रहा है तो ऐसा कोई मिसबैलेंस तो नहीं हो सकता उनके राइट? बहुत ज्यादा हो जाता है जैसे शूटिंग गेम में, यही शूटिंग गेम में हमेशा ना वन साइडेड इंजरीज होती हैं, वो ड्रॉबैक कह सकते हो, ड्रॉबैक कह सकते हो बिल्कुल। तो उसके लिए हम बच्चों को दोनों हाथों से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराते हैं। ओके, और इनका जितना भी ट्रेनिंग का रहता है कि जैसे अगर इनका ये अगर 100% राइट हैंड से कर रहे हैं तो ये 30-40% लेफ्ट हैंड से भी करते हैं। बिकॉज सीन कुछ ऐसा होता है कि बॉडी बिल्डिंग में भी ऐसा होता है कि मिसबैलेंस बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा मिसबैलेंस रहता है। तो मेरे को यही चीज़ मैं कब से नोटिस कर रहा था कि एक हाथ से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दूसरे में ऑब्वियसली अगर 1.5 किलो एक हाथ में है तो दूसरे में मिसबैलेंस होना डेफिनेटली। जैसे हर हर एक तीन सीरीज की अगर ये ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद एक सीरीज ये लेफ्ट हैंड से करते हैं। सो फिलहाल सर जो ये गन है ये कौन सी गन है, आपको थोड़ा एलैबोरेट करेंगे इसके बारे में? एक्चुअली ये 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल गन है। ओके, इसमें ये फेनवर्क वो कंपनी की है। ओके, इट्स ए जर्मन मेड। तो जो जैसे ये ग्रिप है ना ये हमने खुद मॉडिफाई कर रखी है, इसमें नॉर्मल ग्रिप आती है ताकि हर कोई शूटर अपने हाथ के हिसाब से। ये इसकी मैगजीन है। तो इसमें मतलब 5 गोलियां डालते हैं हम फॉर शूटिंग पर्पस, ठीक है, और हर एक सीरीज से 5 शॉट से ही रिलेटेड होती है। ठीक है, तो 5 शॉट में ही हमने अपने आप को जो भी हम सीरीज चलाते हैं वो 5 शॉट की ही होती है। ओके, ऐसे ही हमने शूट किया। ओके, जैसे शूट किया मेरा शूट खत्म हो चुका है।
तो मेरे को सबसे पहले मैगजीन बाहर निकालनी है। ठीक है ठीक है, गन अनलोड है। ओके उसके बाद इसमें सेफ्टी फ्लैग डालना है ताकि ये प्रूव हो जाए कि इसमें कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। उसके बाद मैं अपनी एसेसरीज हटा सकता हूँ। ठीक है, और अब हम रिजल्ट देख सकते हैं जो भी है ना। ओके क्योंकि मैंने पहले भी ट्रेनिंग करी, जो भी शॉर्ट्स होंगे तो हमारे। तो ये चीज़ क्या है, जैसे इसमें आप चेक कर रहे थे बेसिकली, जैसे ये टेलीस्कोप है बेसिकली, तो जो बच्चे जो भी 25 मीटर्स पे शूट करते हैं, मान लो 5 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मैं सबके टारगेट देख सकता हूँ। ओके मैं यहीं से देख सकता हूँ ताकि हम रिजल्ट के लिए वेट ना करें, वेट ना करना पड़े और हम सबके रिजल्ट जो टारगेट लेके आ रहे हैं। जी जैसे इसमें ये मैक्सिमम शॉट 10 में है, ये है 10 का रिंग, ये है इनर 10 का रिंग, ओके, और ये है 9 का रिंग। ठीक है, तो मेरे शॉट्स अराउंड 13 शॉट 10 में है और 2 शॉट 9 में है। ओके ठीक है, जो वर्ल्ड लेवल पे अगर आपको शूट करना है तो आपकी परफॉर्मेंस कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। ओके तो अभी ना मेरे को आप एक बार थोड़ा सा सिखाइए, मैं भी बहुत ज़्यादा, मेरा बहुत ज़्यादा मन है इस चीज़ को करने का। डेफिनेटली तो हम ट्राई करते हैं और एक बार मैं ट्राई करता हूँ। मेरे को, मैंने भी पहले एक बार जो है इनका दूसरा जो एरिना है वहाँ पे भी हमने एक बार प्रैक्टिस करी थी, तो वो मेरे दूसरे व्लॉग्स में आपने कभी देखा होगा। तो आज जो है बड़े इसमें रेंज में करते हैं, तो ट्राई करते हैं। सबसे पहले ना ये है 0.22 की गन। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो ध्यान रखनी है कि आपका बैरल है ना जो, वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ही रहेगा। ओके ठीक है, वैसे तो शूटिंग पोजीशन मैंने आपको दिखाई सिंगल हैंड है, बट हम आपके लिए दोनों हाथों से शूट करेंगे, बोथ हैंड से, ताकि एक बार आपकी स्टेबिलिटी बन जाए, उसके बाद हम सिंगल से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, आप ये देखो आपको बैक साइड दिख रही है, दिस इज, ठीक है, दिस इज लाइक बैक साइड एंड दिस इज फ्रंट साइड। तो ये एक शेप है ऐसे, वी पीछे यू टाइप है और आगे आई टाइप, आपने इस तरह की शेप करनी है और वहाँ पे जो ब्लैक टारगेट है ना, जहाँ से व्हाइट पोर्शन शुरू हो रहा है नीचे वाला, ब्लैक से नीचे वाला, वहाँ पे आपने उसको शूट करना है। ओके, उसको टारगेट करना, उसको टारगेट करना है, अपने फोकस आपका इस पे ही रहेगा, इस पोर्शन पे बस। ठीक है ठीक है, तो ये सबसे पहले हम मैगजीन लोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमने सेफ्टी फ्लैग रिलीज किया, अब ये ईयर मफ लगा लो। ओके ठीक है, और ये मैंने आपके लिए लोड कर दिए, अब आप ग्रिप पकड़ो दोनों हाथों से, बोथ हैंड्स। ठीक है, अब आपने उस साइड्स को देखते हुए, ठीक है, और शूट करना है अब आपने। जब आपने शूट किया है तो सबसे पहले बैरल सीधा और आपने बस मैगजीन को बाहर करना है। कैसा लगा आपको शूट करके? फिर ये लगा तो ठीक, बट ये नहीं समझ आया वहाँ लगा कि नहीं लगा, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज की ज़रूरत है। अभी लेके आया तो एक शॉट यहाँ पे लगा है बस, दो शॉट, एक ये, अच्छा एक छः पे लगा है, तो ये पांच में से दोनों छः पे आपके शॉट्स लगे हैं, तो चलो कुछ फर्स्ट टाइम के लिए काफ़ी ठीक है, कुछ तो है, जीरो से तो ठीक है, अगर यहाँ लगता मैं फिर भी खुश हो जाता है, मुझे लग ही नहीं रहा था कि जब भी शूट करोगे तो किसी को मार सकते हो, पर एम उसके पेट पे करना पड़ेगा तो कहीं जाके लगेगा। तो ये अच्छा रहा, मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो वैसे सर एक चीज़ बताइए, अगर कोई पेरेंट्स राइट चाहते हैं अपने बच्चे को जो छोटा है अभी ज्वाइन कराना, तो आप ले रहे हैं अभी मतलब स्टूडेंट्स को आप? हाँ जी, क्योंकि एक्चुअली देखो कोविड के हिसाब से भी हमारी गेम सेफेस्ट है। ओके क्योंकि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग बोला गया है, इसमें ऑलरेडी पहले डिस्टेंसिंग एक से डेढ़ मीटर का गैप इसमें ऑलरेडी होता है। ओके ठीक है, और इंडिविजुअल स्पोर्ट है इसमें, जैसे जो मेरा इक्विपमेंट है ठीक है, वो सबका अपना अपना इक्विपमेंट है, बच्चे सारे अपना इक्विपमेंट लेके आते हैं और सिर्फ शूट करते हैं। पॉइंट, तो आपको एक चीज़ और बताइए कि कितना टाइम की प्रैक्टिस रहती है पूरे दिन की आपकी? इन जनरल जो ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 से 3 घंटे का सेशन रहता है जो ट्रेनिंग का, उसका 1.5 से 2 घंटे का सेशन रहता है हमारा फिजिकल का। ओके तो ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे आप ट्रेनिंग में पूरे दिन में आप एक इंसान को देने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और हफ्ते में 4 से 5 दिन मैक्सिमम। अच्छा, 2 वीक 2 डेज ऑफ ले सकता है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। मैं सर से पूछना चाहूँगा कि सर जो अब अरीना है जहाँ भी आप प्रैक्टिस करा रहे हैं वो कहाँ कहाँ पर है, इन मोहाली इन चंडीगढ़ कहाँ कहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? बेसिकली देखो जो इस इवेंट का बेस है ना, दैट इज़ 10 मीटर्स। ओके 10 मीटर में जो हम पिस्टल करते हैं, राइफल करते हैं ना, तो हमारी
तीन अकेडमीज हैं, अब चौथी एक और खोल रहे हैं हम। तो एक हमारी अकेडमी है मोहाली में 70 सेक्टर में, सेल्वो शूटर्स अरीना, शूटर्स कैफे के बेसमेंट में है। और एक है हमारी चंडीगढ़ 37 सेक्टर में, एक है पंचकूला 26 सेक्टर में, और एक अभी जीरकपुर में खोल रहे हैं सैंडी स्क्वायर, पारस डाउनटाउन स्क्वायर के बिल्कुल साथ में है। तो ये हम सेल्वो शूटर्स अरीना के नाम से हमारी अकेडमीज हैं। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, बाई चांस अगर कोई पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को कराना चाहते हैं बट वो हरियाणा में है, पंजाब में है, तो वो कैसे प्लान कर सकते हैं? बेसिकली देखो, शूटिंग एक इंडिविजुअल गेम है और अभी की ज़रूरत है आपके एडमिशन्स के लिए, आपकी ट्रेनिंग के लिए, तो बहुत ही बेनिफिशियल है। एक तरीके से इसका स्पोर्ट्स का बहुत बेनिफिट है, जो स्टूडेंट कॉलेजेस में हैं या स्कूल्स में हैं बड़े लेवल के, तो उनको खुद ही पता है कि स्पोर्ट्स की जितनी वैल्यू इस टाइम है वो कभी नहीं रही। लाइक शुरू से ही बहुत वैल्यू है स्पोर्ट्स की, और अगर आपकी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेनी होती, आप स्पोर्ट्स में फोकस कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प करती है इस चीज़ में। बेसिकली जैसे हमारे पास शौर्य, ये शौर्य है, ठीक है, ये खन्ना से आता है, लाइक ये एक दिन यहीं पे रुकते हैं चंडीगढ़ में, इनके रिलेटिव्स हैं। तो ये एयर पिस्टल तो 2 साल से कर रहा है, ही स्टार्टेड इन द एज ऑफ 10, ठीक है, तो इसे 12 का है। हाँ जी हाँ जी, तो ये 12 का हुआ है, तो इसने फायर आर्म शुरू किया अब ना, क्योंकि इसमें शूटिंग में क्या है कि आप फायर आर्म जो है ना 0.22 पिस्टल जो हमने अभी की थी, ये आप मिनिमम 12 की एज के बाद कर सकते हो। और जैसे ही आप इस एज में क्वालिफाई करते हो तो वैसे तो आर्म्स लाइसेंस के लिए 21 की आपको चाहिए एज, बट एक शूटर के लिए वो सिर्फ 12 साल है, तो इसलिए 12 साल के बाद कोई भी फायर आर्म में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये इसके लिए लाइसेंस चाहिए हमें, राइट? हाँ जी, इसके लिए लाइसेंस चाहिए हमें, बिना लाइसेंस के ये। और इसको वैसे भी हम बाहर कैरी नहीं कर सकते, इसको सिर्फ रेंज के अंदर, राइट? इसको सिर्फ रेंज के अंदर कैरी करते हैं। ऐसे देखो, वापस एक बार इधर आओ। अब ये देख लो, ये शूटर है, ये आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करो। शूटर हो आप, कॉन्फिडेंस दिखाओ। शूटर हो सब, बस ऐसे जा जाता हूं एक बार सब्सक्राइब तो बोल दे। तो ये ध्यान रखो, ये शूटर है, अगर इसकी बात नहीं मानी तो ये शूट कर देगा, ये शूट कर देगा। हमारे शूटर भी हैं, ये शूटर भी हैं, एक्टर भी है, बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट हैं, मैं बहुत टाइम से इनको फॉलो करता हूँ। तो अब ये लास्ट में एक सब्सक्राइब के लिए कुछ स्पेशल ही बोलना चाहेंगे। भाई और बहनों, जैसा कि हमारे सामने आज भाई आज मिलने आए हैं, आपसे अनुरोध है दोनों हाथ जोड़ के इनके चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नाले कमेंट करो, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। धन्यवाद। नहीं तो ये शूटर है, शूट कर दे, शूट कर दे। सो विद दैट करते हैं हम आज के ब्लॉग का एंड, और मैं घर आ गया हूँ, और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है घर पे, तो और ये बहुत खुश है। तो मैं मैगी नहीं दिखा रहा, जानबूझ के नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैगी के साथ मैं बहुत कुछ प्लान कर रहा हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग में आप मैगी को देखेंगे। तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आपको मैगी पसंद है, तो क्योंकि मैं चाहता हूँ यार हर वीडियो पर 1 लाख व्यू आ रहा है, मेरी लास्ट जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सब पे 1 लाख व्यू है, बट सब्सक्राइबर 1 लाख नहीं हो रहे यार, करवाओ यार, बहुत कुछ प्लान करके रखा है 1 लाख के लिए। सो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। ओरियो बोलो, सब्सक्राइब करो, बोलो सब्सक्राइब करो, चलो इसने कह दिया सब्सक्राइब करो। सो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, कमेंट जरूर करना, बताना वीडियो कैसी लगी, और सारी जितनी भी शूटिंग रेंज की डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।